आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग VI नंबर का कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो कि उस नंबर पर किस किस ने कॉल किया है या फिर उस VI नंबर से किस किस को कॉल किया गया है और जब कॉल किया गया था ना तो कितने देर तक कॉल पे बात हुआ है और कॉल करने का टाइमिंग क्या था, A to Z हिस्ट्री निकाल सकते हो तो कैसे निकालोगे, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइड में एक वीडियो क्लिप चलता हुआ नजर आ रहा होगा जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको करना कि आपका जो VI का एप्लीकेशन है ना उसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक सेटिंग करना होगा। नीचे में देखोगे माय अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर टैप करना होगा और टैप करते हैं यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे आपको एक ईमेल का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली से यहाँ पे अगर अभी तक कोई ईमेल आप अपडेट नहीं किया ना तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना जिसमें कि आप कॉल हिस्ट्री लेना चाहते हो या फिर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल रखा है ना तो उस पर आपका कॉल हिस्ट्री आसानी से आ जाएगा A to Z जानकारी के साथ। तो मैं अपना ईमेल यहाँ पे एक ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपके जीमेल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप इतना काम करोगे ना आपका जो जीमेल हो यहाँ पे ऐड हो चुका है और ऊपर से मैसेज भी आ जाएगा कि आपके VI एप्लीकेशन में एक जीमेल ऐड कर दिया गया है। अब आपको करना क्या, सिंपली से आपका जो मैसेज बॉक्स है उसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद स्टार्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नंबर डायल करना है 1 2 3 4 5 और इसके ऊपर एक मैसेज करना है। तो सिंपली से यहाँ से देख सकते हो कि एक मैसेज पहले से आ रखा है। मैंने ये मैसेज तब किया था जब मेरे को अपने VI नंबर पे वोल्ट इनेबल करना था ना, उस टाइम मैंने किया था। तो वोल्ट वाली ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो कि कैसे वोल्ट इनेबल करते हैं अपने VI नंबर पे। तो आपको यहाँ पे करना है कि सिंपली से आप अपना कॉल हिस्ट्री लेने के लिए कैपिटल में टाइप करना है EBILL, उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद महीना आपको सेलेक्ट करना है कि किस महीने का कॉल हिस्ट्री आप लेना चाहते हो। लास्ट के 6 महीने तक का कॉल हिस्ट्री आप निकाल सकते हो। जैसे आपको नवंबर का लेना है ना तो आपको NOB लिखना होगा शॉर्टकट में, अगर अक्टूबर का कॉल हिस्ट्री लिखना है तो OCT लिखना होगा। तो EBILL स्पेस उसके बाद OCT में लिख के यहाँ पर सेंड करता हूँ एंड उसके बाद सिंपली 1 से 2 घंटे बाद हमारे जीमेल में पूरा कॉल हिस्ट्री आ जाएगा। तो सिंपली से हम अपना जीमेल ओपन करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें जो कॉल हिस्ट्री है वो मिल चुकी है एंड उसके बाद जैसे आप इसको ओपन करोगे ना तो ये जो फाइल यहाँ मिले वो पासवर्ड लगा होगा। तो इसका जो पासवर्ड है वो कैसे निकालना है आप ये जान लो। जैसे आपका नेम मान लेते हैं कि आपका नेम मनीष है एंड आपका मोबाइल नंबर लास्ट का ना 8877 है, तो आपको करना क्या होगा, सिंपली से आपका जो स्टार्टिंग का नेम का 2 लेटर है ना, जैसे आपका नाम मनीष है तो M है और आपका जो मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट है ना जैसे 8877, ये दोनों मिला देना। जैसे आप MA लिखोगे ना उसको स्मॉल में लिखना और जो यहाँ पे जो पासवर्ड है ना आपके मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट वो और आपका नेम का लेटर, ये दोनों आपको डालना है सिंपली से पासवर्ड में। जैसे नीचे जाओगे PDF ओपन करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा ना, वो पासवर्ड आप डाल दीजिएगा और सिंपली से ओके करना है। जैसे ओके करोगे ना देन आपके सामने पूरा कॉल हिस्ट्री खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कब कॉल किया या फिर मेरे को कब कॉल आया, मैंने कितने देर तक कॉल पर बात किया है, किस किस से बात किया, किस किस नंबर पे मैंने कॉल किया, A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से आप अपने VI नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कॉल और एक नए वीडियो के साथ।